इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर चर्चा कर रहे हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और अति पिछड़ों और पिछड़ों के लिए अपना पूरा जीवन लगाने वाले कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। उस पर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, देखिए। कर्पूरी ठाकुर जी को न्याय के प्रतीक थे कर्पूरी ठाकुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न कहने पर कहा कि वो न्याय के प्रतीक थे और उन्होंने पिछड़ों के लिए बहुत काम किया। और इस पर अब जमकर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। हालांकि हर कोई स्वागत कर रहा है, चाहे जेडीयू के नेता हो, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ही कह रहे हैं कि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ट्वीट करके बात कही है कि न्याय के प्रतीक थे कर्पूरी ठाकुर। और देखिए, अगर पिछड़ों की बात करें और अति पिछड़ों की बात करें तो 30% अति पिछड़े वोटर्स बिहार में है। एक बड़ा संदेश, क्योंकि देखिए कर्पूरी ठाकुर और उनकी सियासी विरासत की राजनीति करने वाले लोगों की अगर बात करें, चाहे नीतीश कुमार की बात करें, लालू प्रसाद यादव की बात करें, उनका जिक्र तो हर कोई करता रहा और ये बात कहता रहा, चुनावी मंचों से बात कहता रहा, लेकिन केंद्र सरकार ने ये भारत रत्न देने की जो घोषणा की, उस घोषणा के बाद बिहार के सियासी मिजाज पर, सियासी माहौल पर क्या असर होगा, इसका क्या संदेश जाएगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।